गेमिंग फोन चाहिए लेकिन कैमरा अच्छा नहीं है, कैमरा अच्छा चाहिए लेकिन प्रोसेसर अच्छा नहीं है, और प्रोसेसर अच्छा चाहिए लेकिन बैटरी अच्छा नहीं है। अब करे तो करे क्या, टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारा भाई लेके आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra, जिसमें सब कुछ है, जिसमें सबका सब चला जाएगा घर भी और गेमिंग के लिए। इससे अच्छा कोई फोन ही नहीं है, विश्वास नहीं होता, खुद देख लो। देखा कितना स्मूथ है, स्मूथ तो होगा ही ना। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 डाला हुआ है इसमें, वो Exynos का सीन ही नहीं। और यहाँ पे ये जो कैमरा देख रहे हो, ये 200 मेगापिक्सल का सेंसर नहीं है, ये वाला है 200 मेगापिक्सल का सेंसर। मजाक, इसका अनबॉक्सिंग तो सभी ने देख ही लिया होगा, मैंने भी अनबॉक्स किया था। और अनबॉक्सिंग करते टाइम मुझे मिला ये फोन और बस एक केबल, और सैमसंग ने मुझे इस डिवाइस के साथ ही साथ दो कवर्स भेजा था, एक फ्लिप कवर और एक बैक कवर, दोनों दिखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और ग्रीन वाला तो क्या ही बताऊं, कमाल का है। लेकिन कवर से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि इस फोन से हमें क्या क्या मिलने वाला। तो इसलिए आज हम इस फोन के हर एक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, ताकि तुम्हें पता चल सके कि सैमसंग ने इस 1,24,000 रुपए वाले स्मार्टफोन पर क्या क्या डाल रखा है। तो सबसे पहले आते हैं इसके डिजाइन क्यों, काफी ज्यादा गॉर्जियस है दिखने में, और तुम इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि तुम खुद देखो ना कितना ज्यादा सुंदर। तुम देख सकते हो कि डिस्प्ले के कर्व को बहुत ही बढ़िया तरीके से इधर मेंटेन किया गया, बैक में बहुत ही बढ़िया मैट फिनिश, और ये मेटालिक डिजाइन इस फोन को बहुत ही सुंदर बना देता है। साइड में तुम्हें वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाता है, और साथ ही साथ है एक पावर ऑन एंड ऑफ का बटन, और पोर्ट तुम्हें इधर टाइप सी मिलने वाला है चार्जिंग के लिए, और इसको कौन भूल सकता है, एक S Pen जो सैमसंग के सभी S सीरीज में आ जाता है, क्योंकि S सीरीज को यही तो कंप्लीट करता है ना। तो क्या करता है ये S Pen, तुम में से काफी सारे लोगों के मन में ये तो क्वेश्चन आता ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इस पे लिख सकते हो ऐसा करके, और ये ना आवाज भी करता है, इससे ऐसा लगे कि मानो रियल पेपर पे तुम लिख रहे हो। और इससे भी बढ़िया फीचर, इससे ना तुम कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक पिक्चर क्लिक हो जाता है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, सेल्फी तो बहुत ही बढ़िया से खींच जाता है, बाकी तुम इधर डिस्प्ले देख ही सकते हो। इतने खूबसूरत डिस्प्ले कैसे बना लेते हो सैमसंग। इधर तुम्हें मिलता है 6.8 इंचेस का डायनामिक एमोलेड 2X 120Hz HDR10+ डिस्प्ले, जिसमें तुम्हें 1750 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, जो कि बाहर डे लाइट में कुछ ऐसा दिखता है। अभी दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि आजकल के 25,000 वाले स्मार्टफोन पर भी हमें एमोलेड मिल जाता है, तो इसका डिस्प्ले उससे कैसे अलग है? देखो, पहली बात तो बहुत ज्यादा कलर एक्यूरेट है ये वाला डिस्प्ले, कलर्स को बहुत ही बढ़िया बैलेंस किया हुआ है, as you can see. प्लस तुम जब इसको धूप में ले जाओगे ना, तो फिर ना तुम्हें एक बार भी ये फील नहीं होगा कि इसका ब्राइटनेस कम है। साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन, तो अगर बाई चांस हाथ से गिर गया तो फिर तुम्हारा हार्ट फेल होने का चांस बहुत कम। और परफॉर्मेंस की बात तो मैंने पहले ही कर दिया कि इसमें 8 Gen 2 डाला हुआ है Qualcomm Snapdragon का, लेकिन एक बात है कि ये जो 8 Gen 2 है वो सैमसंग के लिए स्पेशली कस्टमाइज्ड, ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया मिलने वाला है तुम्हें इसमें। और गेमर्स के लिए भी बहुत बढ़िया डिवाइस है ये, क्योंकि इसमें कूलिंग भी है, उसके बाद रे ट्रेसिंग जैसे पीसी लेवल का गेमिंग फीचर्स भी प्रोवाइड करा गया। ऑब्वियसली एंड्रॉइड 13 तो है ही, और यूआई तो पूछो ही मत, क्योंकि इसमें डाला हुआ है सैमसंग का One UI 5.1, जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूआई है एंड्रॉइड में। अभी रे ट्रेसिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं, अगर ये फोन में है और इसमें तुम एक हेवी लोडेड गेम खेल रहे हो, तो फिर शेडोज बहुत ही अच्छे आते हैं, रियलिस्टिक लगता है दिखने में, खेलने में भी मजा आता है। तुम इधर साइड बाय साइड देख सकते हो कंपैरिजन, समझ में आ गया ना। और ये फोन ना इन 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। और बैटरी की बात करो तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है तुम्हें विद 45 वाट का फास्ट चार्जिंग। अभी आ जाते हैं इस फोन का मेन चीज, जो कि है इसका 200 मेगापिक्सल का कैमरा। सो पहली बोल दो, क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है तुम्हें इधर, और साथ में इधर मिलता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, और 10-10 मेगापिक्सल के दो टेलीफोटो लेंस मिल जाते हैं, और यही दोनों मिलके तुम्हें 100x जूम प्रोवाइड करता है। कोलैबोरेशन देख रहे हो, बाकी हाईएस्ट तुम 8K 30fps तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे, समझ रहे हो 8K। यहाँ पर तुम कुछ कैमरा सैंपल्स देख सकते हो, पोर्ट्रेट खींचा था, बाकी ये रहा अल्ट्रा वाइड, ये है 1x जूम, ये है 3x, 10x एंड 100x। सो ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का जो रियर कैमरा सेटअप है, उसी का वीडियो फुटेज फुल HD में शूट हो रहा है 30fps, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो फिर तुम्हें इधर मिलता है 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा सेंसर। हाँ पता है पिछले वाले वेरिएंट में 40 मेगापिक्सल का था, अभी 12 क्यों, ऑप्टिमाइजेशन भाई काम हो जाता है। तुम यहाँ पे सैंपल देख लो, ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 का जो फ्रंट कैमरा है, उसी का वीडियो फुटेज कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। देखा क्वालिटी, समझ आ गया ना। सो सब मिला के अगर पॉकेट में पैसा है तो फिर इससे बेहतर एंड्रॉइड डिवाइस आज के डेट में हो ही नहीं सकता। तो यही था इस फोन का एक ओवरव्यू, कैसा लगा कमेंट करके बताना। और हाँ, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इस फोन के ऊपर, तुम कमेंट करके बताओगे क्या क्या देखना है इस फोन का, जो बोलोगे वही दिखाएंगे। बाकी अगर किसी को S23 अल्ट्रा का रिव्यू देखना है तो फिर इस वीडियो को तुम शेयर कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो यस, मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। सो गुड बाय।